तुमने अपना ध्यान रखना, बच्चों को भी ध्यान रखना। मेरा तो ध्यान टेंशन मत ले। गाइस प्रॉब्लम यही है। हेलो गाइस जी, यहाँ पर क्यों आना पड़ा? व्यू देखिए भाई साहब। गुड मॉर्निंग। इट्स 4 in the morning और सबके सब उठ गए हैं। सबके सब मतलब ये दोनों ही उठ गए हैं, बाकी तो सब सो रहे हैं, लखन भी और दीदी भी। गुड मॉर्निंग बोलो। आज तुम दिन में आराम से सोना, बस मेरे को पानी दे दो गुनगुना। मैंने ऑन कर दिया है, तू ले आ। सो मैं जा रही हूँ और सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पता चल गया तो थोड़ी सी तैयारी के साथ जा रही हूँ। बाकी लखन आएंगे नहीं आएंगे तो बात की बात है। अभी चलते हैं और पैकिंग हो चुकी है। मुझे पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना था और मम्मी भी 12 बजे आई हैं एक्चुअली सुबह सुबह। लेकिन मैं कुछ खा कर नहीं जाऊँगी। मैं अपने साथ ये दोनों हैट्स लेकर जाने वाली हूँ, ये भी लेकर जाऊँगी। ये देखें सो रहे हैं। ये हमें जो कि रेडी होकर बैठे हैं, बस वेट कर रहे हैं सैंडी और मम्मी का, वो जल्दी आए। एंड ड्राइवर्स भैया का भी, वो भी नहीं आए। हमें 4 o'clock निकलना था। मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल, अगर मुझे पता है ना मुझे निकलना, क्योंकि 8-9 घंटे लग जाते हैं गाइस। मेरा जो गांव है उत्तराखंड, वो पास में नहीं हो, काफ़ी दूर है। गॉड ब्लेस यू गुची। छींछी कर रहा है, छींछी। गुड मॉर्निंग गाइस। नीतू रेडी हो रही है, बस अब जाने वाली है। सामान चेक कर लियो, तू बोलती बहुत है, तुमसे तो कम। कैमरे रख लेना, ब्लॉग बनने चाहिए अच्छे वहाँ पे। हो गया है तो कुछ नहीं। ये क्यों हैप्पी हो गया तेरे जाने पे? उसको लगा मैं घुमाने लेके जा रही हूँ। और टेडी को ले जाओ, इसको भी अपने साथ। नहीं आप चलोगे मम्मा के साथ? नहीं, चलो छोड़ने चल रहे नीतू को, घर का तूफान जा रहा है। दीदी मेरे से लड़ेगी, उसने बोला था कि जब नीतू जाए तो मेरे को उठा दियो। सुबह मत उठाओ, सुबह। गाड़ी रेडी, गाड़ी का बेड बना दिया होगा अब तक। ए पागल, 6-7 महीने में आइयो आराम से, ठीक है? ओहो, दो कैब, इतनी धूप है वहाँ हैं? ये देखो गाने सुनते हो जाएगी, जैसे कि ये मेरे स्पीकर। यार ये तो तूने बिल्कुल रूम बना रखा है, ये देखना कैसे टांगा हुआ वार्डरोब। यहाँ तक ये, यहाँ पे इसका सारा सामान रहेगा। पानी की बोतल अभी तक आई नहीं है मेरे ख्याल से। उधर कैप, इधर कम्बल, इधर स्पीकर, जबकि गाड़ी में है स्पीकर, फिर भी इसको नहीं समझ आ गया। देख अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी। बेटा मैं हूँ तो मेरे से प्यार कर ले, मैं भी घर का ही हूँ। ये भी समझ गया नहीं तो देख, ये पापा तो हैं घर पर, वो तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। यार बच्ची को समझ आ गया है। एंड गाइस मैंने डिसाइड किया है कि मैं वहाँ पर जाके व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी। जो घूमने भी नहीं गया, इसको पता चल गया, भाग के अंदर आ गया। देख छोटे बेचारे को पता नहीं था, कह रहा दीदी इसका तौलिया का पड़ा भी लेना है ब्राउनी का। मैंने कहा वो थोड़ी जा रहा है, मुझे लगा ब्राउनी में जा रहा है। सुदीप चाहे तो वहाँ भी मिल जाएगी भाई, ड्राइवर्स के लिए। यार सुबह 4 बजे आए हैं। मैं तो अपना ध्यान रखूंगी, तुम भी अपना ध्यान रखना, बच्चों को भी ध्यान रखना। मेरा तो ध्यान टेंशन मत ले, मैं रखूंगा। और जिस काम के लिए जा रही हूँ काम जरूर निपटा ली, ठीक है? डूची को पता चल गया, डूची रोने को हो गया बिल्कुल। इसको देख इनसिक्योर को, लगता है मेरी सासू माँ भी आ गई। नीतू बता आज दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन है? बता कौन है, बता। मैंने गांव ले आने को बोल दो। हो कितनी खुश रहती है। नमस्ते। अच्छा क्या? अच्छा क्या है ना ये? सच बोल। अरे अब इनकी हंसी छुप नहीं रही। ये देख डांट में भी खुशी आज तो। लेटते हुए। और सुन इनको बीच में को लेटाइयो गाड़ी में, गाड़ी डिसबैलेंस हो लेगी नहीं इधर उधर। नहीं मतलब मैं बैठ जाती हूँ। बैठो नहीं, कैसे बैठोगी इस पे? मम्मी वो बाकी बाल कटवा दूंगी हेयर स्टाइल से। अरे अरे नानी प्यार करो उसको, अब चैन पड़ा है इसको। देख आओ यहाँ, चप्पल उतारो, छलांग मार लो ऊपर को, एक छलांग में। यहाँ गुड। क्या? अरे मैं नहीं आ रहा। इजा अब लेट के दिखाओ एक बार। मैं लेट जाऊँ? अरे लेट के दिखाओ एक बार यार मेरे को, यार लेट के दिखाओ एक बार। कैमरा मैन लेना जरूरी है। हाँ कैमरा मैन जरूरी है। सुनो आप जाती हो प्रेसिडेंट साहिबा के साथ, मानता हूँ, बट ये भी एक अलग लेवल का कंफर्ट बना रखा है हमने भी, छोटा सा जैसा हम पे बन पाया। बाय बेटू, बाय बोल दो। बेबी अपना ध्यान रखना, आप अपना ध्यान रखना। हाँ पापा का भी बाय बाय। गाइस मिलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड वालों मैं आ रही हूँ। सैंड में व्लॉग बना लेना। परेशान हो गया। अरे इसको ना दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, ये अपना खाना भी छोड़ देता है, उसको नीतू चाहिए होती है। मैं इसको लेके जा रहा हूँ, सुन रो रहा है अभी। मुझे मत दिखाओ ठीक है? बेटू पापा तो हैं, क्यों टेंशन ले रहा है तू? मैं हूँ तो, बस निगाह वहीं है उसके। पापा जाने नहीं दे रहे, वरना तो मैं आपको लेके चलती। आई लव यू चूचू। लो ले जाओ यार। चलो अब हम चलते हैं, इसको लेके चलता हूँ वरना ये जाने नहीं देगा। बाय नीतू, बाय बेटू। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बेटू, आप और पापा दोनों। आजा मजे से रहेंगे, आजा ट्रीट दे दूँ, आजा ट्रीट 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 ट्रीट, आजा अच्छा अच्छा ट्रीट 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 ट्रीट। हाँ वरना इसका मूड ऑफ रहेगा। हाँ पापा और टैडू दोस्त बन गए हैं, है ना टैडू? तो भाई अभी भी जस्ट 5 ही बजे हुए, वो निकलने में थोड़ा लेट हो गए। मैं नैप ले लेता हूँ, अभी कुछ करने को है ही नहीं, नीतू भी नहीं है तो बोर ही हो जाऊँगा, सुबह सुबह क्या ही करूँ। तो गाइज हम लोग अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। आज मैं उत्तराखंड जा रही हूँ पूरे 2.5 साल के बाद, और इस ट्रिप पर आपको बहुत मजा आने वाला है। कोई भलाई नहीं करिए, हम लोग आए वॉशरूम, रुक गए हम लोग वॉशरूम करने के लिए, और वो भी बहुत इरिटेट कर रही है। मम्मी के साथ आना मतलब गाली खाना, 2 चाँटे खाना, 2 लात खाना। भैया जो भी जगह है मुझे नहीं पता, बट यहाँ के वॉशरूम, जो भी ये ढाबा है शिवा ढाबा, इसका वॉशरूम बहुत क्लीन है, बहुत मज़ा आ गया। है ना मम्मी? वॉशरूम क्लीन है ना काफ़ी? छोटे तुझे नहीं जाना? छोटे तुझे पता है तू कहाँ जा रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड गया कभी? नहीं। हमारा छोटे है बिहार से, हमारे राजा भैया हैं बंगाल से। आप तो हमें कलकत्ता लेकर नहीं जाओगे, तो हम आपको उत्तराखंड लेके जा रहे हैं, ठीक है? आप कब लेके जाओगे? लेके जाओगे ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और नहीं तो लगे भूख। 7 बजे आलू प्याज गोभी मिक्स पनीर अनियन, तो प्याज पराठा दे दो, एक मिक्स पराठा दे दो, एक गोभी पराठा दे दो, पनीर पराठा दे दो। देख लो इसे, सुबह सुबह कितनी भूख लग रही है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, तब इसे इतनी भूख लग रही है, तब इसने 3 पराठे मंगाए हैं। अपने आप ही भौंक रहा है यार। इस पता है नीतू के बिना ना बड़ा सूना सूना सा लग रहा है घर में, बड़ी शांति है, इसलिए नींद भी अच्छी आई। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता है। अबे क्या है, सो जा यार, नीतू नहीं था तू हु कर रहा है यार, सोने दे। अबे क्या है यार, क्या है भाई, क्या है क्या है, क्या हो गया तेरे को? अरे यार डूची, तेरे को नीतू सिखा के गई है क्या कि सोने नहीं देना मेरे को? ये तेरे पास है? अरे मैं तो इसे देख रहा था कि अंदर कहाँ है, देख कैसे बैठा है। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है घर में आज? बहुत लोनली, शांति नहीं लग रही घर में, अच्छा नहीं लग रहा। यदि लोग सही कह रहे हैं, इसका कलर मैच नहीं कर रहा, लोगों ने बोला ग्रे अच्छा है ना, वो हाँ, बहुत कमेंट आ गए यार इसके। हाँ भाई कहाँ पहुँचे अभी? अभी तुम रामनगर भी नहीं पहुँचे। भाई दीदी से बात कर ले, वो बहुत परेशान हो गई, कह रही घर में सन्नाटा है, घर में सूना सूना है। कंजी आप तो नहाने गई मेरे ख्याल से, तू कॉल कर लियो जब नहा के आ जाए, ठीक है? गुची ब्राउनी कैसे हैं? दोनों ठीक हैं, गुची ने तो उठा दिया मेरे को, ये देख दोनों। तो गाइस जीवन क्या है? जीवन दुख दुख का नाम है, क्योंकि सुख दुख में सुख तो बहुत कम हो गया है। अभी देखो मैंने दीदी की और नीतू की लड़ाई करवा दी है, क्या हो गया? ये तो बहुत गलत चीज़ है, सब लोग भी सच में यही बोलेंगे, पता है इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में यार सबकी। हाँ यार सच में पता है, नीतू आज तुमने लोगों को ये दिखाया कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। जैसे सुन, टैडी से मिलके गई, बहुत गुची से मिलके गई, तुम सबसे मिल गई, तो बस मेरे से मिलकर नहीं गई। कोई नहीं बहन सुन, ये हार्ड ट्रूथ है इस जीवन का, इसको एक्सेप्ट कर ले, तू कब तक उसके पीछे भागेगी यार। हाँ सही बोल, छोड़ दे, वो फोटो भी टेढ़ा हो गया, देख ले, देख फोटो भी टेढ़ा हो गया, सब इशारे हैं जो मैं तेरे को बता रहा हूँ, इसको सीधा कर ले। तुम हमारे बीच में लड़ाई करना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो तेरी आंखें खोल रहा हूँ, नहीं खोलनी तो मत खोल। रहा है यार, तुम पागल हो क्या? क्या कह रही है? वो बोल रहे कि ऐसी आंखें मैं नहीं खोलूं अपने भाई जैसी। ठीक है भाई, तो आंखें बंद रख अपनी, मेरा काम था तेरी आंखें खोलना, अब ठीक है। नहीं नहीं बेटा, क्या तू नए नए आइडिया दे रहा है? दीदी से बोल रहा हूँ, दीदी कार चलाना सीख लो और फिर खुद लेकर चले जाए। अच्छा, जो ड्राइवर हमारे यहाँ पर रहे भैया भाभी के पास, ये ऐसे ही पैसे बचाता है ड्राइवर वाइवर के ना सब, ये इसकी ट्रिक है। तू तो सोच रही है कितना अच्छा भाई है मेरा, कितना सोच रहा है, और वो सोच रहा है इकोनॉमिकल। तो इतने टाइम से हमारी थार चली भी नहीं थी, आज इसी बहाने चल जाएगी। कंजी को थार में ही भेज रहे हैं। बाय बाय, ख्याल रखियो अपना, ठीक है? क्या हो गया बहन? इसको हटा के मुझे पीछे बिठा रहे थे, मैंने कहा भैया इसमें तो मैं आगे ही बैठूंगी यार। हाँ इसमें तो आगे बैठ जाए, एटलीस्ट सीट बेल्ट लगा ले। ये अपना पर्स पीछे रख देना, यहाँ क्यों रखा है? हाँ भाई पकड़ ले, बता तो रहा हूँ। बिल्कुल बालक, ये बालक जी। अभी रुक बेटा, अभी इसमें बेल्ट लगाओ, नहीं तो टाइट हो रही होगी। अरे इसमें अभी लॉक नहीं लगा। पुनीत कैसा है तू यार? लग ये सीट बेल्ट खोलो। ठीक, हाँ अब लगा ना लॉक, अब लगाओ सीट बेल्ट। बाय बाय। तूने जो अपनी टीम बदली थी, भाभी 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 करने लगा था तू, आज देख तेरे साथ कौन है ऐसे वक्त में। तेरा भाई भाभी का तो भाई अपने गाँव, भाभी भी ले जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन भैया के पास मेरी गिरफ्त मारा ही, समझ कायदे में रह ले, फायदे में रहेगा। हेयरकट कराने जा रहा हूँ मैं, और थोड़ी सी बियर्ड करा के आता हूँ, थोड़ा सेट करता हूँ, रखूँगा यही स्टाइल, बस थोड़ी सी सेट करके रखूँगा। अभी तो थोड़े जंगली टाइप के भी लग रहे हैं। ठीक है। तो गाइस आज टाइम बहुत ज़्यादा फ्री है मेरे पास, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि सोने का मन नहीं कर रहा है। सो उसकी जगह सोच रहा हूँ कुछ टाइम यूटिलाइज़ करूँ। तो मैंने जैसे कि आपको पहले व्लॉग्स में बताया, मेरा ना लेज़र का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं बीएड वाला ले रहा हूँ ताकि ये शेप बनी रहे, बार बार ना बीएड करवाना पड़े। तो मैं सोच रहा हूँ आज खाली टाइम है नोएडा निकल जाता हूँ। दीदी तो दिल्ली में, दीदी को मैंने बोला मेरे बैग्स उठा लाएगी, मेरे बैग जो मैं एलवी के स्टोर पर ही छोड़ आया था जिसमें मेरी 3 टी-शर्ट है। तो अगर दीदी उस साइड की तो दीदी उठा लाएगी, वरना मेरा तो खैर आज राउंड लगेगा, फिर मैं कल वाले में लेकर आऊँगा। तो ये है मेरे आज का लुक, बाल फंकी, और ये पता नहीं मुझे कितने टाइम बाद मेरी शर्ट मिली है। मैं चल रहा हूँ नोएडा, तू भी चलेगा मेरे साथ है? सुधीर को तो घूमने के बहाने चाहिए। ला भाई पानी की बोतल पहले दे दी, टाइम से मेरे को चला जाऊँ, इनडायरेक्टली बोल देगा खुद ही चले जाओ ना। अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए। दीदी को मैंने थार दे के भेजा था, उसने वापस भेज दिया। तो ठीक है मैं ले जाता हूँ भाई इसको। अपनी मौसी के यहाँ पर आए हैं, हमारी मौसी हैं। झूठ बोल रही है। कौन सी बहन है आपकी, बताना चाची? अरे बहन नहीं, मतलब हम इनको जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो मैं इनको मौसी बोलती हूँ। तो हम यहाँ पर आए, सोचे सब खा लें। छोटे कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस, अच्छा नहीं रहा? उल्टी ऐसा लग रहा है, मुँह थोड़ी ठंडा पानी है बिल्कुल। हाँ पीने का पानी हो। आ जा देखिए भाई, ये आता है पूरा जड़ों का पानी, बहुत अच्छा है, बहुत ही ठंडा होता है। गाइस प्रॉब्लम यही है यहाँ पर आने में। देखो ये हमारी मौसी, देखती हूँ ना क्या बताऊँ, जैसे हो आप। सबको हेलो बोलो, मैं बोल रही हूँ मेरी मौसी मेरी मौसी। पता है मैं नीतू का ब्लॉग देखती हूँ, क्या बताया नीतू मौसी बता रही है, मेरी मौसी देखा, बताया ना मैंने, बोला ना मेरी मौसी है। ना भगवान तो मेरे सबसे कही थी, पता मैंने अपने मोबाइल एक बार बहन भी नहीं तो आई थी ना, 3 बहनें आई थी, 3 बहनें थी। नहीं हस्बैंड को लेकर, लखन को लेकर आए। हाँ हाँ लखन को लेकर आए थे उस दिन। मैंने बल्कि कहा भी, मैंने पूरा निकाला इसमें से अपने मोबाइल से, कब आए थे, पहाड़ गाँव कहाँ है क्या है करके। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे कड़ी और पकौड़ा मिलता है। बैठो भाई, कड़ी पकौड़ा खिलाते हैं, बहुत ही टेस्टी। मेरे को तो डर लग रहा है इसको खाने में, इसलिए भी नहीं खाऊंगी। क्यों अजीब सा हो रहा है? अरे इसे रायते से सही रहेगा। अरे एक बारी मम्मी को उल्टी हो गई थी। अरे नहीं रायते से सही रहेगा, ये गांव का दही है ये, बल्कि आप तो वाला दही आ जाएगा। गाँव का खत्म हो गया ना। अरे आपको भी मैंने खींची। पहाड़ों की सबसे अच्छी बात पानी झड़ते हुए से अपना फेस वॉश करना। ये आ रहा है झरने का पानी, तो बाप रे बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सैंडीन फंस जाएगी, सैंडीन भाई मजा आ जाएगा। मैं धो चुका हूँ। तो हम लोग आ गए हैं वापस, खाना पीना खा के सबने खा लिया है। मैं इतना रिफ्रेश फील कर रही हूँ कि पूछो मत, ऐसा लग रहा है कि ठंडक आ गई है ना भाई, बहुत मजा आया। मौसी से भी मिल ली। अब चले हम लोग, 2.5 घंटे का रास्ता बचा है यहाँ से। मैप ने हमें 2.5 घंटा दिखा रहा था और ऐसा लग रहा था पहुँचते पहुँचते हमें आज रात होने वाली है, लेकिन ये व्यू देखकर ना आंखें भारी आ गई थी। बस मन कर रहा था इस व्यू को देखते ही जाओ और देखते ही जाओ। और यहाँ से हम फाइनली एंटर कर गए रामनगर की तरफ। बस वेट था तो ब्रिज आने का, क्योंकि जो ब्रिज बना हुआ है ना बहुत ज्यादा सुंदर बना हुआ है, और फाइनली वो ब्रिज भी आ गया था जिसके नीचे से हम गुजरते हुए गए। बहुत ही सुंदर लग रहा था नज़ारा। फिर हम बस चले ही जा रहे थे। ऐसा मन कर रहा था सफर खत्म ही ना हो, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। बाहर निकलने का मन था सनरूफ से, लेकिन डर लग रहा था कि लखन ने अगर वीडियो देख ली तो बकवास करनी स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए मैं विंडो से बाहर निकली। लखन को डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं, वो बंदर की वजह से बाइक में बैठ गया। उसका भी अलग ही एक्सपीरियंस था। और मैं संतरे खाते खाते बाहर निकल रही थी। खाना भी खाओ और साइट सीइंग भी कर लो। भाई हमारी गाड़ी का बन रहा है ब्रेड, क्योंकि हम लोग सो के थक चुके हैं। सुबह से लगातार लेटे पड़े हैं इस वजह से। ये रही नीतू, क्या हुआ? हालत खराब हो चुकी है गाइस मेरे, मतलब ये जो पेट के आंतड़े पातड़े होता है ना, सब हिल चुके हैं क्योंकि गाड़ी पूरी ऐसे ऐसे करके हिल रही है। और पूछो मत, बहुत बुरा हाल होगा। जैसे सीट जो लानी पड़ी कराने से पहले, अभी 1.5 घंटा रहता है बस। उत्तराखंड आने का ना यही माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर ये जो पहाड़ आता है ना ऐसे ऐसे करके, ये जीना वो कर देते हैं। 4 घंटे कैसे काटना होता है पल पल का पता चलता है। और हमारे छोटे को बहुत वॉमिट हुई है, मुझे सूखे भी नहीं छोटा भाई मेरे हालात। छोटो क्या बेटा, डेलकोट से 2 ही जने परेशान है, नीतू हो रही है। क्या आप उल्टे? नहीं, इसको देख के मेरे आपका मन नहीं कर रहा है उल्टे का? नहीं मन कर रहा है। संतरा खा ले, चटले पटले जो रखे दे दिए, चटले दे खा ले बेटा, उसे खा ले। संतरा खाएगा और है ना, और दोनों संतरा उसको खा, उसको निकालना दे। वो तो खाएगा तो निकलेगा ना। नहीं अभी संतरा खिलाया तो जब से थोड़ा सा आराम। अच्छा तुम्हें तो पता ही नहीं अपनी गाड़ी कितनी देर में रोकी है? अच्छा हमें नहीं पता, हम सो नहीं रहते मम्मी। मैं तुम्हें इतने खराटे पड़े थे नींद में? हाँ खराटे। चलो 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 चलो। गाँव में घुसते ही ऐसा लग रहा था किसी फ्रेश एयर में आ गई हूँ, पॉल्यूशन फ्री जगह पर। मन कर रहा था यहीं पर बस जाऊं, लेकिन अभी मेरा गांव आना बाकी था जो आपको देखना है। नीतू को देखिए, देखिए हालत देखिए इसकी। क्या हो गया? बहुत आ रही है। जब इसे बोल भी रहा था मैं उस टाइम पे कि सीट लगा ले, नहीं तब ये नहीं लगा रही थी। अब देखो उल्टी पे उल्टी करे जा रही है। सुबह से लेकर अभी तक का सारा निकाल दी। बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा आराम से, मुँह धो ले। अरे दुकान ही बंद है सारी, देख तो ली मैंने, दुकान ही नहीं है। ये हमारा भूमि तारा का मंदिर, सब लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं यहाँ पे। देखो भाई नीतू घूम रही है चकोटिया मार्केट हमारी उत्तराखंड की। कहाँ जा रही है? सामान लेने के लिए, मतलब कुछ सब्जी पनीर और ये सब लेने के लिए। चलो अब हम गांव में फाइनली एंटर कर चुके हैं। अब थोड़ी देर में आपको मेरा घर देखने को मिलेगा जो कि है चकोटिया से थोड़ी ही दूरी पर झला। तो हम लोग आ गए हैं अपने घर पर। बहुत टाइम लगा लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच गए। और सबसे पहले ताई जी से मिलूंगी। हेलो ताई जी, नमस्ते। मैं क्या लगी, कैसे हो? कैसे हो? ताऊ जी कहाँ है? दुकान आ गए। नमस्ते, कैसी है? माँ बेटे का प्यार। हम लोग जा रहे हैं ऊपर और इसका होम टूर हम बाद में कराएंगे। अभी हम ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते। ओके, लेकिन यहाँ का दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये खेत है, व्यू देखिए भाई साहब। यहाँ ऊपर हमारा मंदिर है, तो दिख रहा होगा शायद आपको, या मैं कल आपको वहाँ लेके चलूँगा। उत्तराखंड की वादियों में आके बहुत अच्छा। इस बार हम टाइम पे भी आए हैं क्योंकि अभी धान लगे हुए हैं ना, गेहूँ लग रहे हैं। तो हरियाली कितना सुंदर है, बहुत हल्का हल्का ग्रीन और हल्का येलोइश होने वाले हैं ना, येलो। बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है यार। ओके गाइस, तो अपना स्पीकर मैंने उठा लिया है, अब मैं गाने सुनूंगी। और यही सीढ़ियाँ, क्योंकि मुझे सर्द होना है। चलो चलते हैं नीचे। बेस्ट पार्ट, मम्मी बना रही है खाना। और दूसरी बेस्ट पार्ट, मेरा पेट यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि मुझे बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। क्या लगता है आपको? हाँ हो जाएगी मैम, ये पानी ठंडा है ऑलरेडी, बहुत तो इसे हमें टंकी से निकालना पड़ेगा शायद। तो निकाल लो भैया मेरा सर। हमारे छोटे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई ना। छोटे कितनी ख़राब हो गई? बहुत ज़्यादा। तू लेटने के लिए बोला ना तुझे मैंने जानदार। और ये हमारे ताऊ जी, हेलो बोलो सबको। हेलो, कैसे हो आप? अच्छे हैं। यहाँ पर मेरी ताई जी और मम्मी खाना बना रहे हैं, ये देखें। घर में बन रहा है सांभर और चावल। मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो अब मैं चलती हूँ, सर्द होती हूँ, फिर खाती हूँ। और गाड़ी रखने के लिए अंदर ही करते हैं। मम्मी को गाड़ी की बहुत टेंशन है क्योंकि गाड़ी रखने की हमारा ये भी पूरा का पूरा एरिया है, तो यहाँ पर अभी पार्किंग बनाना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्यों आना पड़ा वो मैं आपको सब कल बताऊँगी। और अभी मैंने शाल ले लिया, बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लगी, मैं प्लेट्स लेने आई थी। और हमारा जो भी घर है यहाँ पर भी सेट नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैसी हो रहा है। तो ये बन गया है सांभर, हमें अच्छा ही बना होगा यार। और ये है, और क्या मम्मी बात है। तो मम्मी ने सांभर चावल बना दिया और ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बना। पता नहीं गाँव का पानी कैसा होता है, इसमें टेस्ट अलग आता है। और मेरी ये चेयर है खाने की, तो बारी अपने घर चलने की। लेट्स गो। सामान रख लिया ना पीछे, थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली मैंने। क्या करा है वो घर जाके दिखाऊंगा आपको। मैं घर आ गया, कितना खुश हो रहा है मेरे को देख के। हाँ हाँ मुझे पता है। हाँ बेतू, हाँ बेतू, हाँ दूची, क्या करा आज आपने दोनों ने। आजा 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 आजा। अब तो मैं साथ के साथ निकाल देता हूँ, जब से मेरे कपड़े खोए साथ के साथ ही रख दूंगा इनको, जिन्हें दर्द हो। ठीक है भाई साहब। हाँ बेतू रुक जा, एक मिनट दे बेतू, बहुत सारा प्यार करूँगा तेरे को। एक ये लाया ट्राउज़र, ये रख दे बेतू। आई लव यू, आई लव यू तैदू एंड गुची ऑल्सो। दो बुक सेट लाया और एक जोड़ी लाया जेब वाले जूता। ये कैसे लग रहे हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं। ये तो वो इससे मैं ब्लैक, हाँ जैसे तेरे पास है। हाँ हाँ उसका छोटा वर्जन है बस ये। ठीक है भाई साहब, इन्हें धरते हो, दैट्स इट। ओके और काउंट कर लियो सारे क्या क्या है। आउट रीड दो तुम दोनों को। आ जाओ, मेरे दो प्यारे बच्चे हैं, एक का नाम है रुजा, एक प्यारे बच्चे का नाम है पता पता नहीं ना। अच्छा मैं हाँ। एक गुची और एक ब्राउनी टेडी। हाँ टेडी, तो पूरी ट्रीट तो मिलनी चाहिए। ये मिल गई पूरी ट्रीट। ठीक है, और गाइस आप लोगों से मिलूंगा अब मैं कल नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर नीतू ने वहाँ अच्छा बना दिया होगा तो उसके ऊपर बहुत सारा दारोमदार था आज। तो बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। लाइक कर देना ठीक है। कल मिलेंगे प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय।